तो गाइस मैं सोचा था कि घर जाएंगे, लेकिन यार ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, कुछ तो इन्फेक्शन हो गया है यार। तो दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि यार एक के आंख में एक देखे ना, तो किसी से नज़र मिलाए तो ये उनको भी आ जाता है। पैसे रख के तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ यार, किसी से नज़र मिलाने से इन्फेक्शन हो गया ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो गाइस जाके डॉक्टर को दिखाना है। तो यार मैं घर नहीं जा सकता, घर जाकर अगर मैं मेरे काना से या मेरे बीवी से किसी भी फैमिली मेंबर में किसी से भी अगर मैं नज़र मिला के देखा तो ये उनको भी आ सकता है बोल रहे थे। वही हो गया पंगा। तो गैस अभी शिफ्ट खत्म हो गई, अभी शाम के 6 बज गए यार, तो मैं दोपहर में खाया नहीं। तो गैस मेरी दोपहर में 1 बजे से शिफ्ट थी, तो यार मैं उठा ही 12:40 को उठा हूँ मैं। तो यार आँख ना बहुत दुख रहा था मेरा, तो इसीलिए मैं सो गया हूँ। तो सीधा 12:40 को उठा, तो खाने के लिए टाइम भी नहीं मिला। तो बाद में तो हमारे सर आ गए थे, तो इसलिए जाके खाना नहीं हुआ। तो यार बहुत भूख लग रही, तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर करेंगे, लेकिन यार बहुत बारिश हो रही है अभी। ये देखो दोस्तों कितना जम के हो रही है बारिश यार। स्विगी जोमेटो में ऑर्डर भी करूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा आने। अगर जैसे ही बारिश कम होती है तो जोमेटो में या स्विगी में ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। यार बहुत भूख लग रही मुझे दोपहर से, दोपहर से खाया नहीं मैं। तो तब तक कुछ तो करेंगे, या फ़ोन में कुछ पिक्चर देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस दोस्तों 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ कि यार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखो गाइस, ये मेरा बैग में था, ये मूंग दाल खा के पेट भर रहा हूँ अभी। तो 7:30 बजे हमारा मैच शुरू होता है, तो 7:30 बजे मैच जाकर देखते हैं कि क्या बनाए हैं। तो आई होप कि आज कुछ अच्छा बनाए हो यार, क्योंकि यार बहुत भूख लग रही मेरी, बहुत बहुत भूख लग रही, दोपहर में भी नहीं खाया हूँ मैं। तो गाइस आज का खाना मेस में अगर अच्छा नहीं बना है तो यार देखो फिर जाके खाना होगा या ऑर्डर करके स्विगी में या जोमेटो से मंगवाना होगा। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो गाइस अभी 8 बज रहे हैं, तो यार बारिश कम हो गई, तो बाहर से रोटी मंगवाया है मैंने, तो यहाँ कैबेज की सब्जी बना है। तो गाइस अभी मैं हमारे मेस जा रहा हूँ खाने, तो चलो भाई पहले खाएंगे। दोस्तों ये है हमारा मेस और ये है मेरा आज का डिनर, रोटी और कैबेज की सब्जी। हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी टाइम बज रहे सुबह के 7:30, अभी रूल काला यार। तो यार देखो, देख रहे ना आप मेरा आँख कैसा हो गया है। तो अभी ये आँख में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरा, और ये भी आँख ना अंदर से बहुत जल रहा है मेरा। दोस्तों मेरा आँख ना अंदर से बहुत दुख रहा है, फिर भी कल नाइट शिफ्ट करना पड़ा मुझे, तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा यार चाहे कैसे भी हो। तो यार अभी रूल काल जाते हैं और मेडिकल लीव लेते हैं यार, पता नहीं देते या नहीं देते, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो यार चलो चलते हैं, जाके छुट्टी पूछते हैं कि देते या नहीं देते। गाइस मैं रूल कॉल अटेंड होके अभी आ रहा हूँ मैं, तो रूल कॉल अभी शुरू नहीं हुआ था। तो यार ये लोग मुझे देख के बोले कि यार तू क्यों आया, तू चले जाए यहाँ से। मतलब इनको भी डर लगता ना कि नज़र मिलाने से उनको भी आ जाती है ये बीमारी। तो गाइस नाइट शिफ्ट करके अभी आया हूँ ना, तो जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, जाके पूछते हैं छुट्टी। बोल रहे कि छुट्टी देने के चांसेस है, तो देखते हैं कितने दिन छुट्टी देते हैं। तो यार चलो चल के पहले फ्रेश होते हैं। तो गाइस अभी टाइम सुबह के 8:30 बज रहे यार, तो मैं गया छुट्टी पूछने, तो मेडिकल लीव नहीं देते बोले ये लोग, लेकिन आज 1 दिन का रेस्ट दिए मुझे। रेस्ट मतलब घर जाने का नहीं रहता, तो यहीं रहना पड़ता अगर रेस्ट में भी हूँ तो। अगर कुछ इमरजेंसी हो तो बुला सकते मुझे। तो मैं बोला कि सर मुझे थोड़ा परमिशन दो सर, मैं हॉस्पिटल जाके आता हूँ और चश्मे ला लेता हूँ, आई ड्रॉप्स ला लेता हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हॉस्पिटल तो जाके आए लेकिन यहीं रहना। तो चलो यार पहले यहाँ से घर जाते हैं, नहाते हैं और वहाँ कुछ खाते हैं, खाने के बाद वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। तो गैस कल एक ही दिन हैदराबाद में 4,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं इस इन्फेक्शन से, तो इतने लोग एडमिट हुए यार। तो गैस गंदे हाथ लगाने से या पानी बदलने से, और यार मौसम तो बदल चुका है, हवा पानी भी बहुत तेज़ से आ रही है यार, तो हवा भी बदल चुका है, तो ऐसी हवा लगने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो गैस अभी तो मुझे घर जाना पड़ेगा, जाकर फ्रेश होकर खाने के बाद वहाँ से हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से फिर सीधा यहाँ आना पड़ेगा मुझे। घर जाने के बाद भी ना मैं मेरे बच्चे को नहीं ले सकता यार, मैं मेरे बच्चे को टच नहीं करता, मेरे बच्चे को नज़र मिला के नहीं देख सकता, मेरे बच्चे से मैं दूर ही रहना पड़ता, या वरना ये इन्फेक्शन ना मेरे बच्चे को आ जाता है यार, वो मैं नहीं सह सकता भाई। तो यार देखो किस्मत कैसी है मेरी, घर भी जाऊँगा लेकिन मैं मेरे बच्चे को छू नहीं सकता, मेरे बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, मेरे बच्चे को नज़र मिला के नहीं देख सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब किस्मत ऐसी है मेरी। तो यार चलो भाई चलते हैं घर, वैसे मैं आपसे भी नज़र मिला के बात नहीं कर सकता। तो यार चलो चलते हैं घर, चलते हैं पहले, लेट्स गो। तो गाइस ये देखो ताज़ी ताज़ी सुबह यार, ये रही अपनी हाइनेस। चलो यार चलते हैं।
काना कहाँ है? कान्हा है, देख पापा। ओ चोनू, हाय डैड। नहीं दिख रहा कहाँ? वो माँ, मैं नहीं दिख रहा इसको। ओ चोनू, फोन दिख रहा ना? देख रहा कानो से, हाय डैड, हाय बोलता हूँ। ओ माँ, कान देख पापा। ओ चोनू, ओ सोना, ओ माँ, मत दिखाओ मत दिखाओ मनु, मैं उसके तरफ नहीं देखता। नहीं, गॉगल पहन के देखो। ना ना, आप सब जगह चश्मा पहने हैं। हाँ मम्मी, ये देखो यार, ऐसे आ गया मैं। गाइस, मैं तो घर पहुंच गया, लेकिन ये देखो यार, पानी टपकते जा रहा आँख में से। मैं मेरे बच्चे को भी डायरेक्ट नहीं देख सकता, क्या करूं भाई। चलो यार, फ्रेश होते हैं या कुछ खाते हैं, किसी से नज़र भी नहीं मिला सकता मैं घर वालों से। तो गाइस, मैं फ्रेश होके आ गया हूँ, वो कमरे में मेरा बच्चा खेल रहा है यार। तो नहा के आ रहा हूँ ना, तो ये देखो एक टॉवल लेके ना मैं ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ मैं, और मेरे बच्चे को छुआने टच भी नहीं करा। अगर मेरे बच्चे को लेने से, अगर टच करने से भी अगर ये फैल गई ना इन्फेक्शन यार, तो उसको फैल गई तो मैं देख नहीं सकता यार, मैं सह नहीं सकता। तो चलो गाइस, फटाफट खाते हैं और यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल से मेडिसिन लेकर घर आने के बाद क्या बात है? अरे क्यों शर्मा रही, इधर देखो। गाइस, ये देखो यार, मेरी बीवी दवाई डाल रही है मुझे आँख में। अब्बा बाबा, आराम से। तो दोस्तों, अभी टाइम 2:30 बज रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाकर टैबलेट्स लिया और आई ड्रॉप्स भी दिए। तो यार चलो चलते हैं वापस। तो गाइस, ये देखो यार, मैं पहुँच गया हूँ, गाड़ी रख दिया हूँ मैं। तो गाइस, मैं वापस पहुँच गया हूँ यहाँ। तो यार, जाकर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, पर वापस ड्यूटी पे जाते हैं। तो गैस, मैं घर गया ना, तो हेलमेट लगा लेके दूर से मेरे बच्चे को देखा यार, तो मेरा बच्चा ना मुझे पहचान रहा नहीं, दूर से कुछ अजीब से देख रहा कि ये कौन आ गया। आवाज़ तो सुन के इधर उधर घूम के देख रहा, लेकिन यार मुझे नहीं पहचाना मेरा बेटा। तो यार ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है यार। तो क्या कर सकते हैं, जो मेरा इन्फेक्शन है ये तो मेरे बेटे को तो मैं लगा नहीं सकता ना। तो ठीक है दोस्तों, जाके रेस्ट करते हैं, मिलता हूँ थोड़ी देर से फिर से आपसे। तो हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। एंड गाइस, अभी टाइम बज रहे 7:30, तो मैंने जाके डिनर कर लिया। डिनर में आलू की सब्ज़ी और चावल खाया मैं। तो यार बहुत बकवास थी आलू की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर लूँ, लेकिन यार हर रोज़ ऑर्डर करके तो नहीं खा सकते ना। तो जैसा है वैसे ही एडजस्ट कर लिया मैं। वैसे भी बाहर का खाना थोड़े दिन अवॉइड करूँ तो ही अच्छा है। आप तो देख रहे हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे दूर रह रहा हूँ यार। मुझे देख के ना सब लोग इधर उधर देख के चले जा रहे हैं, बस डर है उनको भी कि ये हमको ना लग जाए। ठीक है, समझ सकता हूँ यार मैं। और गाइस, हॉस्पिटल से ये ड्रॉप दिए मुझे, तो देख रहे हो ना रूम पूरा खाली है मेरा, सब लोग ड्यूटी पे गए हुए हैं अभी। तो यार ड्रॉप डालने वाले भी कोई नहीं है मुझे अभी, तो मैं ऐसे वैसे करके डाल लूँगा देख के। मैं जा सकता था घर, लेकिन मैं नहीं गया कि डर है कि इनको ना लग जाए। तो सुबह ही बहुत डर डर के गया था, तो वो तो जाना ही था क्योंकि हॉस्पिटल जाना था मुझे, तो मेरे पापा को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए गया था मैं, वरना नहीं जाता था मैं, इधर से इधर ही जाता था। तो गाइस, आज सुबह मैं लीव के लिए पूछा था मैं, तो ये लोग बोले कि आज एक दिन देखेंगे, देखने के बाद अगर नहीं कम हुआ तो कल बोलते हम कुछ। तो देखते हैं यार, कल भी अगर छुट्टी मिलती है नहीं मिलती देखते हैं। गाइस, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है पुलिस डिपार्टमेंट में खासकर, तो यार देखते हैं कल छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है। इस मम्मी से बात करेंगे और वीडियो कॉल करके मेरे कानों को देखेंगे यार, मेरे बच्चे को देख लूँगा वीडियो कॉल करके, मेरी बीवी से बात कर लूँगा और मैं सो जाऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं कल सुबह। हेलो दोस्तों, है वेरी गुड मॉर्निंग, आज सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। तो गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं जाकर टिफ़िन कर चुका हूँ, उपमा खाया हूँ मैं। तो यार मैं जाके हमारे सर से ना
मेडिकल यू के बारे में पूछा था, तो उन्होंने नज़र मिलाने से डर रहे, बोले कि भाई तू यहाँ से पहले जा, जाने के बाद एक आधे घंटे के बाद फ़ोन कर, फ़ोन में मैं बोलता हूँ कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल ना वो लोग बोल रहे थे कि आज भी एक दिन रेस्ट में रह जा तू, लेकिन यार एक दिन से क्या होगा, एक दिन से तो ये कम नहीं होगा ना, कल से तो फिर से ड्यूटी करना ही पड़ेगा मुझे। तो गाइस देखते हैं, एक आधी घंटा रुक कर फ़ोन करते हैं और पता करते हैं कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यार देखते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम 12:30 बज रहे हैं यार, तो मुझे ऑफिस से कॉल आया है, तो ऑफिस से बुलाए मुझे आके बात करने के लिए, छुट्टी के बारे में बात करने के लिए बुलाए मुझे ऑफिस से। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं यार छुट्टी देते हैं क्या नहीं, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे बात करके आने के बाद। सो दोस्तों ऑफिस बुलाए मुझे, तो ऑफिस बुला के पूछे कि यार क्या करना चाह रहा है तू, तो मैं बोला सर मेडिकल लीव दे सकते हैं क्या। सो गाइस इतना छोटा प्रॉब्लम है तो मेडिकल लीव तो नहीं दे सकते, तो हमारे सर बोले कि 4 दिन छुट्टी लेके जाओ, तो यार लेटर लिख के दे दिया मैं, तो 4 दिन की छुट्टी मिल गई फाइनली। तो गाइस अभी टाइम बज रहे दोपहर के 2 और मैं कपड़े बदल लिया हूँ मैं, तो चलो यार गाड़ी निकालते हैं और घर जाते हैं, घर जाकर गाड़ी रखते हैं, गाड़ी रखकर यहाँ हैदराबाद से मेरे गांव तक बस में जाएंगे, क्योंकि यार अगर गाड़ी पे गया मैं इस हालत में मेरी माँ ना इमोशनल करके यार ब्लैकमेल कर देगी मुझे। तो गाइस घर जाते हैं और मेरे काना से मिलते हैं, तो यार इस हालत में मैं कैसे देखूँ मेरे काना को, मैं तो डायरेक्टली नहीं देखता था ना मेरे काना को, लेकिन आज तो देखूँगा यार, क्योंकि ये देखो गाइस दिख रहा हूँ ना मैं हैंडसम, तो यार चलो डायरेक्ट देखूँगा मैं मेरे कानों को दूर से, वो भी बिना टच किए दूर से नज़र मिला के देखूँगा मेरे बच्चे को, और वहाँ से जाऊँगा बस स्टैंड और वहाँ से सीधा बस में मेरे घर। तो यार चलो चलते हैं यार, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं घर, लेट्स गो। ओ चुनो, ओ माँ, ओ चुना, ओ चुना, ओ माँ, चले चलो, चले चुना, ओ माँ, वो वो वो, ओ चुनो, इधर इधर इधर, आ माँ माँ, इधर 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 इधर, इधर 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 हो माँ, ओ चनो, ओ चना। मैं जा रहा, अरे प्लीज मैं जा रहा मनो, नहीं जाना मतलब नहीं जाना बस। अरे क्यों नहीं जाना, नहीं जाना सही, अरे क्यों नहीं आती, 4 दिन के लिए कैसे आते, ऐसे चाहती जैसे तुम जाते वैसे मैं भी। अरे बच्चे का तो सोचो ना तुम, हम दोनों भी गॉगल पहन के आते। नको मनो प्लीज, अरे नहीं ना मनो सुन, ए मम्मी के बच्चे चुप, कानू बोल हम भी आते, नहीं नहीं आना, लैपटॉप छुपा लेते हम, नहीं तो कैमरा लेके भाग जाते हम, हां नहीं मां नया ना सुनो, ना 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 नहीं मां, कम होने के बाद मैं आता ना गांव से, नहीं नहीं हम भी आ जाते, ऐसा कैसे आते, 4 दिन के लिए ना मनु सिर्फ, ऐसे कैसे आते, अरे बच्चे को ना नहीं बस में आता ना, ठीक है मैं भी बस में आती, बाहर मौसम ठीक नहीं है मनु, बारिश हो रहा, नहीं कुछ भी नहीं है हम लोग अच्छा, देखो ये हवे से इन्फेक्शन हो रहा, हवे में इन्फेक्शन फैल रहा, हम लोग स्पेक्स वगैरह कुछ भी हमला का, फिर भी मनु क्यों, कानू बोल ठीक है 2 दिन में आता मैं वापस, अरे 2 ही दिन ना सोना, बाय बाय, बाय बाय चनो, ओ मा इधर देख चो ना, ओ माँ, ओ माँ सोना, हाओ हाओ आओ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा चोना पापा है, मेरा चोना पापा है, नहीं जाना बोल रहा, नहीं ना 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 माँ ना चोनो, नहीं चनो, ओ माँ हाओ हाओ माँ हाओ, चरलेक लेके आता वापस आए जब, हाओ चरलेक लाता भाई, चरलेक लाता माँ, चल चल ले खाएंगे अपन, ओ खाएंगे, हाँ हाँ खाएंगे, बाय सोनो, बाय 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 चोना, हाँ बाय। तो गाइस फाइनली मेरी बीवी को कन्विंस करके मैं चलता हूँ अपने घर।
तो गाइस मैं तो पहुंच गया हूँ यार मेरे गांव। तो यार चलो चलते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ले लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए। यार चलो चलते हैं, जाके फ्रेश होते हैं और फिर वहां से डॉक्टर के पास जाते हैं। ये देखो ये मेरी मम्मी वेट कर रही बाहर। माँ टोकन ले लिए? हाँ फ्रेश होके आता जाएंगे। ओ यार दोस्तों ये देखो, ये है मेरा घर। शांति मिली यार मेरे जान को इतने दिन के बाद मेरे घर आके। चलो भाई चलते फ्रेश होकर सीधा हॉस्पिटल चलते। तो गैस फटाफट ना लिया हूँ मैं, अब चलते हैं यार हॉस्पिटल। तो गैस मैं फेस पे सोप लगा रहा था ना, तो ये दो अंग बहुत दुख रहे थे मेरे। तो ये देखो मम्मी फटाफट तैयार हो गए, ऑटो भी रेडी करके रख दिए, टोकन भी ले लिए हॉस्पिटल का। तो चलो चलते हॉस्पिटल। ये देखो गाइस ये आ गए हम हॉस्पिटल में। तो गाइस सीन ये है कि हम 16 नंबर का टोकन मिला और हमको बोले कि 6:30 बजे तक आ जाओ, तो हम आ गए 6:30 बजे तक ही। तो यार देखो यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये लोग अभी आए नहीं, अभी शुरू हुआ ही नहीं, टोकन नंबर 1 भी नहीं शुरू हुआ। ये लोग अभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर आते 7:30 बजे। तो देखो भाई 1 घंटा वेट करना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए यहाँ कोई आया नहीं अभी। तो ठीक है यार देखते हैं, 1 घंटा वेट करते हैं। ये देखो गाइस ये आ गए हमारे डॉक्टर। दोस्तों इस हॉस्पिटल में मेरे जैसे आई इन्फेक्शन पेशेंट्स को अलग से बिठाया गया। देखो गाइस हॉस्पिटल से आ गए बाहर, टैबलेट्स और ड्रॉप्स दिए। तो चलो यार चलते हैं, मुझसे ना सबसे अलग बिठा दिए यहाँ, सबसे अलग। मैं अकेला ही हूँ ऐसा। तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं। मम्मी क्या हुआ हॉस्पिटल में, सब लोगों को अलग बिठाए हैं, मैं अकेले को अलग बिठाए माँ। जो जिनको ये आंखों की ये इन्फेक्शन है वो लोगों को अलग बिठाए है, बाकी सब लोगों को अलग बिठाए। हाँ डॉक्टर ऑलरेडी पहले बोल रहे कि इनको अलग बिठाओ और उनको अलग बिठाओ, अलग से टॉवल यूज करो, अलग से सोप यूज करो, कुछ सामान अलग से रखो पर्सनल सामान, तो वरना एक दूसरे वरना एक का एक को आ जाने के चांसेस बहुत है। तो अभी से सामान पूरे अलग रखना पड़ता। तो यार चलो पहले बहुत भूख लग रही तो खाएंगे। मेरी मम्मी बनाई खिचड़ी, काहे खिचड़ी दिखाओ। गरम कर रहे हैं, खिचड़ी गरम कर रहे हैं, ठीक है करो। तो खिचड़ी खा के टैबलेट्स लेते और ड्राफ्ट डाल के यार सो जाते, कल सुबह मिलूंगा मैं आपसे। गुड नाइट। बाय माँ। बाय मम्मी। ये देखो गाइस मम्मी जा रहे स्कूल, हम चलेंगे सीधा घर में। तो हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में फिर से। तो गाइस कल खिचड़ी खा कर ना यार सो गया, ऐसी सोया ऐसा सोया यार क्या बताऊँ कैसे सोया मैं, बहुत चैन की नींद गया मैं। आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे पे दिख रहा ही होगा आपको। तो यार अभी घर में कोई नहीं है यार, क्या करूँ मैं। चलो फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और खाते हैं। यार अकेला ही हूँ मैं घर में, ना किसी से जाके बाहर से मिल सकता हूँ मैं, किसी से डायरेक्टली देख के बात नहीं कर सकता। तो यार ठीक है चलो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो हेलो दोस्तों अभी टाइम बज रहे 10:30। तो यार मम्मी जा चुके हैं स्कूल और मम्मी बनाए, ये देखो यार बेसन और रोटी बनाए। बेसन ठंडा हो गया है तो मैं अभी गर्म कर ले रहा हूँ, मैं गर्म करके रोटी के साथ बेसन खाएंगे और टैबलेट लेंगे यार, और ड्रॉप्स में खुद डालना पड़ेगा मुझे, तो ड्रॉप्स लेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो फिर से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। हेलो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरा दिन है मेरे घर में आज। यार मैं रोज 3 बार टैबलेट्स ले रहा हूँ और हर 2 घंटे को ना ड्रॉप्स ले रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 60% तक तो कम हो गया है मेरा। तो यार बस घर में रह रहा, खा रहा, सो रहा, रेस्ट कर रहा हूँ भाई अभी तो। तो गैस अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मम्मी बोले जल्दी उठ के फ्रेश हो जा, मैं दोसा डाल के दूंगी, अगर तू लेट करेगा तो स्कूल टाइम हो जाएगा तो मैं चले जाऊंगी। तो ये देखो मेरी मम्मी रेडी हो गए, एंड गैस ये देखो यार तवा भी रेडी करके रखे मेरी मम्मी, और यहाँ दोसे का घोल है
अगर मैं जल्दी नहा के रेडी हो जाऊंगा तो मम्मी डोसा डाल के देंगे, अगर देर हो जाएगी तो मम्मी स्कूल चले जाएंगे, मुझे खुद डाल के खाना पड़ेगा। तो गाइस मेरी मम्मी स्कूल जाने रेडी हो गई यार, अगर मैं रेडी नहीं हुआ तो मम्मी फटाफट स्कूल चले जाएंगे तो मुझे डोसा डाल के देने वाला कोई नहीं रहेगा। हम जैसे वैसे आए मैं खुद डाल के डोसा खाना पड़ेगा। तो यार मुझे तो डोसा डालना नहीं आता, तो चलो यार माँ के हाथ का डोसा खाना है तो फटाफट उठ के तो तैयार होना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट जाते हैं और नहाते हैं भाई और बाद में डोसा खाते हैं। तो गाइस मैं फ्रेश हो चुका हूँ यार, और ये देखो ये मेरे माँ का हाथ का डोसा है यार, बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ मैं मेरे माँ के हाथ का डोसा। चाहे कौन से होटल में भी कितने भी डोसा खा लो यार, घर का खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। बाय माँ। ये देखो गाइस 8 बजे माँ की बस है और मम्मी चले जा रहे हैं, और चलो यार हम चलते सीधा घर में। तो यार हम चले घर में, बस वही यार खाओ पियो रेस्ट करो, टैबलेट ले लो, आँख में 2 घंटे में एक बार ड्रॉप्स डालो यार, बहुत ना बहुत बहुत बोर लग रहा है मुझे। गाइस टीवी नहीं देख सकता, फ़ोन नहीं देख सकता क्योंकि आँख पे स्ट्रेस गिरेगा ना, तो इसलिए, और ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकता, ज़्यादा हवा में भी घूम नहीं सकता, बस यार घर में हम अकेले, खाओ पियो सोते रहो, टैबलेट्स ले लो और ड्राप्स ले लो। अगर मौका मिले तो यार मम्मी को कन्विंस करके कहीं बाहर जाके आएंगे शाम में, सोच रहा कि दोस्तों से मिल के आऊँ जरा, मैं बहुत दिनों के बाद आया मैं मेरी गाँव। तो ठीक है यार देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो गाइस शाम में मैं चलता हूँ मेरे दोस्त से मिलने और खुली हवा खाने। तो यार दोस्तों सुबह से घर में रह रहे के यार बहुत बोर हो गया हूँ मैं, तो ऐसी खुली हवा में घूमने के लिए आया हूँ मैं, और मैं मेरे दोस्त को बुला लिया हूँ यहाँ। तो यार चलो ऐसी यहाँ लंबी वॉक पे जाएंगे, थोड़े गप्पा मारेंगे और घर चलेंगे यार, ज़्यादा देर हवा में घूमना भी नहीं मैं, फिर आँख लाल हो जाएगा हवा से। थोड़ा ये नज़ारा एंजॉय करेंगे, ये व्यू देखेंगे और वापस घर जाएंगे। तो दोस्तों यार यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो देखो मेरा दोस्त जा रहा है, हम भी चलते हैं चलो घर। इतनी तेज से हवा आ रही थी तो पानी आता समझ के हम जल्दी 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 आ गए, तो करेक्ट टाइम पे हम दोनों निकले वहां से, मेरा दोस्त उसके घर गया और मैं वापस मेरे घर। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को यार। तो गाइस 4 दिन की छुट्टी ली थी ना, तो आज 4th डे है, यानी कि कल जाकर रिपोर्ट करना है मुझे, छुट्टी खत्म स्कूल शुरू। तो गाइस आज 4th डे है, तो आज ना मैं और मेरी माँ दोनों हैदराबाद जा रहे हैं। तो गाइस एक्चुअल मैं अकेला जाने का प्लान था मुझे, तो मम्मी बोल रही कि बहुत दिन हो गए काना को देखना है मुझे, काना की याद आ रही, मैं बच्चे को देख लेती मैं थोड़ी देर, बच्चे से थोड़ी देर खेल लेती मैं। तो अभी रेडी होना है यार, अभी मैं और मम्मी दोनों रेडी होते हैं, रेडी होके यहाँ से बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ से बस लेकर सीधा हैदराबाद जाने वाले हैं। तो गाइस अभी टाइम 6:30 बज रहे हैं, तो 7-7:30 बजे तक रेडी होकर जाना होगा हमको जल्दी। तो यार चलो रेडी होकर मिलता हूँ मैं आपसे। तो अरे दोस्तों अभी टाइम 8 बज रहे हैं और मैं और मम्मी फटाफट तैयार हो गए यार, ब्रेकफास्ट भी कर लिए और चलो यार चलते हैं। उठ गया इन्हें, ओ शोनू, ओ माँ, नहीं पहचान रहा, आ रहा देख। मैं चश्मे लगा लिया इसलिए नहीं पहचान रहा मेरा बेटा, है ना? ओ कैसे डांस कर रहे मचोनू, ओ माँ।
दोस्तों मेरी माँ ने मेरे बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताया, उसको खिलाया और खूब प्यार किया। तो गैस अभी टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो लंच कर लिए हम सब और मम्मी वापस गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं यार। तो चलो भाई मम्मी को जाकर बस चढ़ा के आते हैं। चोनो, अरे दादी जा रहे, माँ दादी जा रहे, चोना ओके माँ करो, बाय माँ, बाय बाय माँ। देखो गाइस मेरी माँ जा रही मेरी गाँव। तो गाइस मैं मेरी माँ को बस चढ़ा के आ गया हूँ और कल सुबह जाकर 8 बजे तक रिपोर्ट करना है हमको। और मम्मी गए सीधा घर और कल हमको जाना होगा, वही यूनिफॉर्म पहनना और ड्यूटी पे निकलना होगा। तो गाइस आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।